आज टीचर्स डे स्पेशल में बत्रा सर आपके साथ लाए हैं फ्लोचार्ट की सीरीज ऑन इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एजुकेशन copykitab.com अलोंग विद प्रोफेसर जयंत बत्रा लाइव। ये बेटा हमारा आज का 13th लेक्चर है, 13th लेक्चर है बेटा कॉपी किताब पर। अवंतिका कह रही है हैप्पी टीचर्स डे बेटा, थैंक यू वेरी मच सभी को और इस दुनिया के सभी टीचर्स को, और सबसे पहले हमारे माता पिता जो हमारे पहले टीचर हैं, गुरु हैं, उनको बत्रा सर की तरफ से और बेटा कॉपी किताब की तरफ से प्रणाम। पूनम कह रही है हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू बेटा। श्रावणी कह रही है हैप्पी टीचर्स डे वंस अगेन, थैंक यू बेटा। के आर दिलीप भी कहते हैं हैप्पी टीचर्स डे, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। एरनस भी आ गए बेटा, आ जाओ जल्दी आ जाओ, सभी लोग आ जाओ फटाफट, फिर बत्रा सर शुरू करें आज टीचर्स डे स्पेशल पे ऑन इंडियाज लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन copykitab.com विद 8 million एक्टिव यूजर्स ऑन कॉपी किताब। ये ई बुक का बेटा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जिसके पास 8 million, समझते हो बेटा इतना बड़ा स्टूडेंट डेटाबेस है जो एक्टिवली इस कॉपी किताब प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। और इस पेंडेमिक टाइम में बेटा यही एक प्लेटफॉर्म था जो आपकी मदद के लिए आगे आया, जब कोई नहीं था बेटा दूर दूर तक, तब बेटा कॉपी किताब था आपके घर तक बत्रा सर के साथ बेटा डायरेक्ट टू योर होम। ये आज बेटा हमारा 13th लेक्चर है कॉपी किताब पे, और लगातार इस पेंडेमिक टाइम में हम आपके साथ बने हुए हैं और एग्जाम तक बने रहेंगे बेटा, एग्जाम तक बने रहेंगे। तो आज बेटा हम लोग लेंगे फ्लोचार्ट सीरीज का 6th लेक्चर, ठीक है, फ्लोचार्ट का लेंगे 6th लेक्चर मैथमेटिकल फ्लोचार्ट्स। के आर दिलीप कह रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा आपको मालूम है शिक्षक कौन होता है बेटा, हु इज ए टीचर? आपको मालूम है टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? हमारे देश के बेटा सेकंड राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका जन्म दिवस है बेटा आज। तो जब वो राष्ट्रपति थे तो बहुत सारे लोग सरकार के उनके पास पहुंचे कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मेरा जन्मदिन मत मनाओ, आप इस पर्टिकुलर डे को आप शिक्षक दिवस के नाम से हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के शिक्षकों को डिवोट कर दो, क्योंकि एक शिक्षक की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है मेरे बच्चा, सोने से भी ज्यादा। ए टीचर और एजुकेटर इज मोर प्रेशियस देन द गोल्ड, ये बेटा मेरे वर्ड नहीं है, ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जिनके नाम से हम शिक्षक दिवस मनाते हैं बेटा, सेकंड राष्ट्रपति हमारे, बहुत ही लर्नड व्यक्ति, खुद शिक्षक थे बेटा, बिल्कुल। के आर दिलीप कह रहे हैं सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे को टीचर्स डे के तौर पर मनाया जाता है, बिल्कुल सही कहा बेटा आपने, बिल्कुल सही कहा बेटा। तबस्सुम फातिमा भी जुड़ गई है, स्वागत है बेटा आपका, एरनस का भी स्वागत है, दिलीप का भी, निपुण का भी, पूनम का भी, श्रावणी का भी, श्रेया का भी, अवंतिका का भी, प्राची का भी, राघव का भी, भाग्यश्री का भी, कैलाश का भी, और बेटा मैं खुद का भी स्वागत कर लेता हूं आज के शो में। आओ सिखाऊं तुम्हें फ्लोचार्ट का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली फंडा, इसमें छुपा है जिंदगी का फलसफा, इसमें छुपा है जिंदगी का फलसफा, फंडे में फंडा, फ्लोचार्ट का फंडा, फंडे में फंडा, बत्रा सर का फंडा। बेटा इस टीचर्स डे पे पिछले साल मैंने अपने मन के कुछ शब्दों को एक छोटी सी कविता के फॉर्म में लिखा था, आप कहें तो मैं सुना दूं, आप कहें तो मैं सुना दूं। क्या बत्रा सर का थोड़ा सा लेखनी देखना चाहेंगे? बत्रा सर ने कुछ लिखा है बेटा, आर यू इंटरेस्टेड? अवंतिका कहती है यस सर, अवंतिका कह रही है यस सर, व्हाट अबाउट अदर्स, और किसी ने नहीं सुनना? अवंतिका कह रही है वी लव टू हियर बिकॉज आई टू राइट, क्या बात है बेटा क्या बात है क्या बात है। तो बाकी बच्चा लोग भी जल्दी से बता दो If you are interested, तो फिर मैं सुना दूं, वरना मैं अवंतिका को भेज दूंगा। श्रावणी says yes, बाकी भी बता दो बच्चा लोग जल्दी से। तबस्सुम फातिमा says yes sir, क्या बात है। तो
सभी बच्चे चाह रहे हैं, फिर एक दो और बता दो भाई, अपनी फ्रेंचाइज अपना मत बता दो। तो बत्रा सर बहुमत और जनमत के साथ हैं, चलो बेटा आप लोगों के कहने पर मैंने कुछ जो पंक्तियां लिखी है बेटा, मेरे मन के जो उद्गार हैं वो आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं बेटा। जैसा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने कहा था, एक टीचर की कीमत गोल्ड से भी ज्यादा है, ए टीचर और एन एजुकेटर इज मोर प्रेशियस देन द गोल्ड। तो उन्हीं के शब्दों को बेटा मैं कुछ सोच के लिख रहा हूं। जी हां मैं एक शिक्षक हूं और मेरी कीमत सोने से भी ज्यादा है, गोल्ड से भी ज्यादा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और एक डॉक्टर भी, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों के घावों पर मरहम भी लगाता हूं। जी हां मैं एक शिक्षक हूं और मेरी कीमत सोने गोल्ड से भी ज्यादा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और एक इंजीनियर भी, और मैं इस दुनिया को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करता हूं। जी हां मैं एक शिक्षक भी हूं और मेरी कीमत सोने से ज्यादा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और एक दार्शनिक फिलोसोफर भी, क्योंकि मैं अपने विषयों को पढ़ाते हुए जिंदगी के जीने का तरीका भी आपको सिखाता हूं। जी हां मैं एक शिक्षक हूं और मेरी कीमत सोने से भी ज्यादा कीमती है, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और एक धर्म गुरु भी, क्योंकि मैं अपने विद्यार्थियों को अपने भगवान से जोड़ता हूं। आप जिस भी रिचुअल को मानते बेटा, मैं उनसे आपको जोड़ने का काम करता हूं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान बेटा। इसी प्रकार से बेटा मैं कहता हूं मैं एक शिक्षक हूं और मेरी कीमत सोने से भी ज्यादा है, क्योंकि बेटा मैं एक शिक्षक भी हूं और एक डिजाइनर भी, क्योंकि मैं अपने इस वर्चुअल क्लासरूम को, इस कॉपी किताब के वर्चुअल क्लासरूम को बेटा सुंदर भी बनाता हूं, ताकि आपके पढ़ने में सहायक हो सके। बेटा मैं एक शिक्षक हूं, मेरी कीमत सोने से भी ज्यादा है, क्योंकि मैं शिक्षक भी हूं और एक आईटी एक्सपर्ट भी, क्योंकि मैं तकनीक का उपयोग करते हुए अपने विषयों को जोड़कर पढ़ाता हूं। मैं एक शिक्षक भी हूं और बेटा इसीलिए मेरी कीमत सोने से भी ज्यादा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और एक साइंटिस्ट भी, एक वैज्ञानिक भी, क्योंकि मैं नित नए तरीकों से खोजबीन करके आपको पढ़ाता हूं। जी हां मैं एक शिक्षक हूं और मेरी कीमत सोने से भी ज्यादा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और एक एंटरटेनर भी, क्योंकि मैं अपने विषयों को कथा वाचन, नाच और गाने के साथ पढ़ाता हूं, ताकि विषयों को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूं। जी हां मैं एक एक शिक्षक हूं और मेरी कीमत सोने से ज्यादा है, क्योंकि मैं एक शिक्षक भी हूं और एक ड्राइवर भी, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को सही पथ पर अग्रसर करने का प्रयास करता हूं। जी हां मैं एक शिक्षक हूं और मेरी कीमत सोने से ज्यादा है, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन के अलावा भी बहुत कुछ हूं। और चूंकि ये दुनिया के हर प्रकार के बेटा जो शिक्षक है उनको समर्पित है, इसलिए बेटा मैंने सभी अपने भावों को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और आप बच्चों से बेटा हमें बहुत सारा प्यार मिलता है, तो बेटा पूरे सारे शिक्षक जगत की तरफ से आप सारे बच्चों को बेटा, बत्रा सर की तरफ से और सारे टीचरों की तरफ से अपने हृदय तल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद और बहुत बहुत अच्छी विशेष बेटा आप सभी के लिए, क्योंकि आपका भरपूर प्यार ही हमें इतना एनर्जेटिक बनाता है। और चूंकि बच्चे लोग मैं केवल आपका टीचर ही नहीं हूं, आपकी नजरों में मैं आपका आइडल हूं, मेंटोर हूं, गाइड हूं, फिलोसोफर हूं, होस्ट हूं, दोस्त हूं, इसीलिए बेटा इस शिक्षक दिवस पर ये मेरे मन के विचार आज मैंने बेटा आपके सामने प्रकट किए। कैसे लगे आपको, आपके विचार जानना चाहूंगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस डियर।
दिलीप कुमार ने कहा हेलो, विनय कह रहा है वेरी वेरी हैप्पी इवनिंग सर एंड हैप्पी टीचर्स डे, लव यू बेटा, वी लव यू टू। हम कॉपी किताब की पूरी टीम और बत्रा सर बेटा आप सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए बेटा इस पेंडेमिक टाइम में जब कोई नहीं था बेटा दूर दूर तक, तब बेटा कॉपी किताब था आपके घर तक डायरेक्ट टू योर होम। और बेटा कॉपी किताब तो इस समय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे नित नए प्रयोग कर रहा है और बहुत जल्दी नए वेंचर्स आप देखेंगे कॉपी किताब और बत्रा सर के। अवंतिका साहू कह रही हैं बहुत सुंदर, वेरी डीप, एवरी रोल ऑफ ए टीचर ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट। थैंक यू वेरी मच बेटा बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप क्लास में आज पहली बार आए हैं बट यू आर वेरी गुड एट योर सोल बेटा, यू आर वेरी गुड एट योर सोल। श्रावणी कह रही है बेटा सुपर सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो चलें आगे शुरू करते हैं बेटा अपन फ्लोचार्ट की सीरीज को। हमने कल आपको 2010 नवंबर का एक सवाल करवाया था, होपफुली सबको समझ में आया होगा, आया या नहीं आया ये मुझे बता दे जरा, सबको समझ में आया या नहीं आया। के आर दिलीप कह रहे हैं सर सुपर है, सुपर से भी ऊपर कुछ होता है तो वो है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आगे, आगे शुरू करते हैं मेरे बच्चे। ये रहा आपके सामने, हमने जो कल सवाल किया था बेटा वो रहा आपके सामने 2010 नवंबर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लोचार्ट एंड ड्रॉ ए प्रोग्राम फ्लोचार्ट टू ऐड फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, ये सवाल बेटा हमने कल आपको करवाया था, होपफुली सबको समझ में आया होगा, आया कि नहीं आया। ये बेटा इसका एल्गो था, ठीक है। क्वेश्चन दिखा दो एक बार फिर से, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड 10 इयर्स बैक 2010 नवंबर और आपका एग्जाम होने जा रहा है बेटा 2020 नवंबर, ठीक है। सवाल क्या था सुन ले बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्लोचार्ट एंड ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लोचार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। थोड़ा फ्लोचार्ट क्या होता है हमने आपको बताया था, फ्लोचार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, इट इज अ लॉजिकल फ्लो ऑफ स्टेप टू शो द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप, इट शोज द इंटर रिलेशनशिप व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रोग्राम, द स्टेप्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड टू ईच अदर, इट शोज द सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेप। तो बेटा ये तो इसकी डेफिनेशन पार्ट की बात है, एनालिसिस था सम इक्वल टू 1+3+5 अप टू 99, ठीक है। और बेटा ये रहा इसका एल्गो, ये रहा इसका एल्गो, सभी ने किया बेटा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्टार्ट्स ये WL, सम इक्वल टू 0, नंबर इक्वल टू 1, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, इफ नंबर इक्वल टू 99 देन प्रिंट सम एन एंड, अदरवाइज नंबर को 2 से इंक्रीमेंट करेंगे, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2 एंड गो टू 4, ठीक है बेटा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दें या रिएक्शन दे दें मेरे बच्चे लोग। श्रावणी सेज यस, व्हाट अबाउट अदर्स, तो ये रही बेटा एनालिसिस, ये रही एल्गो और ये रही टेबल। आपने बेटा तीनों बनाए होंगे तो चेक कर लो बेटा, दिस इज बिफोर यू, बिफोर आई स्टार्ट विद ए न्यू क्वेश्चन पहले कल वाले चीज को चेक कर लो मेरे बच्चा लोग। क्या बात है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। भाग्यश्री क्या हम लाइव हैं? और मैं भाग्यश्री से जो कॉपी किताब टीम की तरफ से हैं, शी इज डेप्यूटी सेल्स मैनेजर ऑफ कॉपी किताब टीम, हमेशा मौजूद रहती हैं इस सेशन को लाइव बनाने के लिए। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू कॉपी किताब टीम एंड स्पेशली भाग्यश्री। भाग्यश्री मैं चाहूंगा कॉपी किताब के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दें,
थोड़ा तो बता दे कॉपी किताब के बारे में सभी को, और हमारे ऐप के बारे में जो कि कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे है, बत्रा सर ऐप फॉर सीए प्रिपरेशन विच इंक्लूड सो मैनी रिसोर्सेज फॉर यू, फ्री एंड पेड बोथ, आप बेटा उनका टूर ले सकते हैं। दिलीप कह रहे हैं यस सर अंडरस्टूड, बाकी बच्चों का मुझे इंतजार है बेटा, जब तक आप बोलेंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। वी वॉन्ट दिस सेशन टू बी एज इंटरेक्टिव एज द लाइव क्लासेस बेटा, बत्रा सर इज नोन फॉर दिस लाइवली क्लासेस, सो इफ यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग देन देयर इज नो नीड ऑफ दीज क्लासेस। भाग्यश्री ने बताया बेटा कॉपी किताब इज ए लीडिंग एजुकेशन कंपनी वर्किंग विद द मोटिव ऑफ मेकिंग एजुकेशन डिजिटली टू रीच एट ईच ऑफ द स्टूडेंट over pan India and provide the books in affordable price and easily accessible manner। बत्रा सर की सारी किताबें पढ़िए बेटा, old course CA IPCC की और new course मतलब IT की SM की, हिंदी में English में question bank और साथ में बेटा flow chart, ये जो आपको बताया मैंने ये flow chart भी बेटा वहां available है। क्या बात कर रहे हैं सर, बेटा बिल्कुल ही available है, ये available है बेटा, जिससे मैं करवा रहा हूं, जिससे आप सवाल देख रहे हैं ये वहां पे available है बेटा। और इसके साथ साथ बेटा न्यू कोर्स की भी चीजें अवेलेबल है, ईआईएस की, एसएम की, चार्ट बुक, फिर क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू बुक, बेटा सब चीजें अवेलेबल है वहां पे, ठीक है। सो कॉपी किताब हिंदुस्तान का सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म जो डिजिटली आपको एम्पावर करने के लिए आया है बेटा, आपकी लाइफ को बदलने आया है, और पेंडेमिक टाइम ने इसने बेटा बहुत बड़ा रोल निभाया है, आपके घर तक बत्रा सर और बत्रा सर जैसे काफी सारे एजुकेटर्स को आप तक पहुंचाने के लिए। मेरे से पहले कल जोधपुर से बेटा एक और एजुकेटर थे, जयेश भंडारी सर, जो कि जाने जाते हैं बेटा लॉ और ऑडिट के लिए, फाउंडेशन लॉ पढ़ाते हैं, ऑडिट पढ़ाते हैं बेटा, और उसके साथ साथ लॉ पढ़ाते हैं बेटा इंटरमीडिएट का। भाग्यश्री ने हमारे गूगल की डिटेल दे दी बेटा, गूगल ऐप की, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, दिस इज फ्री ऐप, और इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज फ्री में पड़े बेटा, आप अपने टेस्ट अपने नॉलेज को चेक कर सकते हैं बेटा, ईआईएस के, एसएम के, न्यू कोर्स के टेस्ट पड़े बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन चेक योर नॉलेज, बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप टेस्ट होता है जैसे एग्जाम में आता है, यू कैन गो थ्रू दैट। और इसके अलावा ओल्ड कोर्स का भी पढ़ा है बेटा, रिसोर्सेज पढ़े, मैं बाद में क्विक टूर भी करवा दूंगा आप लोगों को। भाग्यश्री बता रही हैं अब तक बत्रा सर ऐप के 657 डाउनलोड हो चुके हैं विद 4.9 रेटिंग, और ये बेटा आप सब बच्चों की वजह से है, थैंक यू वेरी मच फॉर ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स। और सभी को कॉपी किताब प्लेटफॉर्म और भाग्यश्री की तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। तो सभी बच्चे बेटा बता दो, ये सवाल नोट कर लो, एनालिसिस, एल्गो, टेबल, तो मैं आपको इसका फ्लो चार्ट बता दूं। आपके बेटा जवाब का बत्रा सर को इंतजार है, आप जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। इतना समझ में आ जाए तो लिख दो बेटा ऑल क्लियर, ऑल क्लियर लिख दो बेटा, क्लिनिक ऑल क्लियर नहीं लिखना अपने को, है ना, हम लिखेंगे ऑल क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर नहीं लिखना अपने को, ऑल क्लियर लिखना है। श्रावणी सेज क्लियर सर, क्या बात है, बाकी का क्या कहना है, What about others? पूनम says yes, note down भी कर दो बेटा। विनय says yes, clear है। तो सभी लोग बेटा बता दो clear है या नहीं है। Everyone, we are waiting for your responses बेटा। श्रावणी से क्लियर है, विनय से क्लियर है, पूनम से क्लियर है, सो आई एम मूविंग अहेड बेटा, बच्चों ने कह दिया, सेम टू यू भाग्यश्री मैम, भाग्यश्री को सभी लोग टीचर्स डे की बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। चलो तो बेटा ये आपने नोट डाउन कर लिया है, आई एम मूविंग अहेड, आई एम मार्चिंग अहेड, एनालिसिस क्लियर है, व्हाट इज टू बी डन, पहले 50 ऑड नंबर को जोड़ना है, फर्स्ट ऑड नंबर इज 1, इट विल इंक्रीमेंट बाय 2 एंड इट विल स्टॉप एट 99, बिकॉज पहले 100 नंबरों में 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं, फिर उसका एल्गो लिखा बेटा, फिर उसकी टेबल बनाई है, और बेटा ये रहा इसका फ्लो चार्ट, ये रहा मेरा बच्चा फ्लो चार्ट, चेक कर लो अगर आपने बनाया है तो, और नहीं बनाया है तो बेटा इसको देख के बना लो, दिस इज द फ्लो चार्ट।
दिस इज द फ्लो चार्ट। सब बना लो तो बेटा, रिएक्शन दे देना मुझे, तो मैं अगले सवाल पे चलूं। आज बहुत कुछ कराने की तमन्ना है बेटा, टीचर्स डे पे स्पेशल बत्रा सर की तरफ से। आज एटलीस्ट हम कोशिश करें मैथमेटिकल कैटेगरी फिनिशअप कर दे, ताकि अगला सेशन जो नेक्स्ट वीक आ रहा है बेटा, फ्राइडे सैटरडे अगेन एट द सेम टाइम 6 to 7, हम अगली कैटेगरी बिजनेस कैटेगरी शुरू करें बेटा। आज मैथमेटिकल कैटेगरी को कोशिश करते हैं समअप करते हैं, फिनिशअप करते हैं बेटा। तो जल्दी जल्दी अगर मुझे रेस्पॉन्ड करोगे तो बत्रा सर आगे तेजी से बढ़ पाएंगे। श्रावणी कह रही है यस सर स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दो और लोग बेटा सपोर्ट कर दो श्रावणी को, उन्होंने भी कर लिया है, विनय दिलीप, तो बेटा मैं अगला शुरू कर दूं। पूनम कह रही है कंटिन्यू करें, बहुत अच्छा बेटा। विनय कह रहा है स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा मैक्सिमम लोगों ने कर लिया है, ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूं अगला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ये रहा बत्रा सर की तरफ से आपकी स्क्रीन पर। चलिए 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 द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल पूछा गया बेटा 2012 नवंबर में, सी द क्वेश्चन बेटा, Draw a flowchart to print squares of odd number between 10 to 50 and also print the sum of their squares. सब लोग समझ पाए क्या इस सवाल को, बताएं जरा मुझे। Draw the flowchart to print the squares of odd number between 10 to 50 and also print the sum of their squares. Analysis लिख के बताएं क्या करना है। Anybody? Who is going to tell me? Anybody? What is the analysis? सवाल पढ़ो समझो और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं व्हाट इज द एनालिसिस। Winner says it is sum equal to 11 into 11 plus 13 into 13 and so on up to 49 into 49. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। श्रावणी says it is sum equal to 11 into 11, 13 into 13. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो बनाना शुरू करो बेटा। बनाना मतलब केला की बात नहीं हो रही है, मैं कह रहा हूं स्टार्ट मेकिंग इट। हाँ, बनाना मतलब केला नहीं है यहां पे। You have to start making it. बनाना मतलब केला नहीं है यहां पे। ये बत्रा सर थोड़े टेढ़े कैसे लग रहे हैं, सीधा करो जरा, ऐसे कर लो कैमरे को। या नाउ करेक्ट, बत्रा सर थोड़ा टेढ़े लग रहे थे, तो बेटा मेरा यंगर सन जो मेरा असिस्टेंट भी है, मैंने उससे बोला कैमरामैन जरा बत्रा सर को सीधा कर दो। सो ही हैड मेड मी करेक्ट नाउ, सो पोजीशन एंड पोस्चर इज ओके नाउ। द यंग बत्रा इज ओनली 15 इयर्स ओल्ड एंड ही इज असिस्टिंग मी जस्ट लाइक एनीथिंग इन दिस पेंडेमिक टाइम। जब हम लोग अपने अपने स्टूडियो में अपने अपने रिसोर्सेज से काम कर रहे हैं, तो जूनियर बत्रा इज हेल्पिंग मी आउट।
ही हिमसेल्फ इज अ गेम लवर जस्ट लाइक यू ऑल। उसने अपना एक गेमिंग चैनल ही लॉन्च कर दिया है, कोरिटो गेमिंग करके, आप नीचे देख रहे होंगे टिकर में उसके कोरिटो गेमिंग चैनल का भी नाम आता है। ही इज अ यूट्यूबर बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम हिज स्टडीज ही इज डूइंग समथिंग फॉर हिज चैनल एट अ टेंडर एज ऑफ 15। बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। मेरे ख्याल से सबको इसका सॉल्यूशन दिख रहा है, तो सीक्रेट नहीं रखते ज्यादा, आपके सामने खोल ही देते हैं इसको। सो दिस इज द सॉल्यूशन, फिर इसका फ्लो चार्ट बना देंगे। दिस इज द सॉल्यूशन। ये बीच का जो पोर्शन दिख रहा है ना बच्चों लोग, दिस वन, दिस वन, दिस वन ओनली। दिस वन, ये वाला इसका हल है बेटा, सॉल्यूशन है। सो चेकआउट, अगर आपने बना लिया तो चेक कर ले, वरना इसको बना के इसे देख ले, हम अभी आपको एक्सप्लेन कर देते बेटा। हमें इसमें बेटा क्या करना था, दो काम करने थे। एक तो 10 से 50 के बीच जितने भी ऑड नंबर है, तो बेटा 11 से शुरू करके 49 तक जाना था, हर एक का स्क्वायर करके सम में जोड़ना था, दैट वाज इजी। और साथ में हर ऑड नंबर को स्क्वायर करके प्रिंट भी करना था, ये दो काम हमें दिए गए थे एक ही फ्लो चार्ट में। तो देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, सेकेंड इज सी ए डब्ल्यू एल, दैट मीन्स क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन बिफोर मेकिंग ए न्यू फ्लो चार्ट, विल मेक ऑल द लोकेशन एज जीरो। तो बेटा इसको कहते हैं सी ए डब्ल्यू एल, क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन। देन वी हैव सम इक्वल टू जीरो, नंबर इक्वल टू 11। सम जीरो इसलिए लिया है क्योंकि अब तक जोड़ना शुरू नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट वेरिएबल विच वी आर टेकिंग एज द एडिंग वेरिएबल। और फिर नंबर 11 इसलिए लिया क्योंकि बेटा यहां पर सीक्वेंस 11 से शुरू हो रही है। देन वी टेक द कमांड एज प्रिंट नंबर इंटू नंबर। क्या होगा इससे बेटा, प्रिंट हो जाएगा 11 इंटू 11, दैट इज 121। तो प्रिंट हो जाएगा 121, यही तो कहा था। एक तो आप 11 इंटू 11, 13 इंटू 13, सबको जोड़ के फाइनल फिगर भी बताओ सम में। और एक कहा था आप इंडिविजुअली इनको भी प्रिंट करें, तो हमने पहले इंडिविजुअली प्रिंट कर दिया यहां पर। अब क्या कर रहे हैं, मेन स्टेप लिख रहे हैं, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर इनटू नंबर। नंबर इनटू नंबर इसलिए किया क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने के लिए वी राइट इट नंबर इनटू नंबर। तो क्या होगा इसके अंदर, 11 इनटू 11 जाके सम में एड अप हो जाएगा। उसके बाद नंबर 49 है क्या, नहीं है। देन प्रिंट सम एंड स्टॉप, स्टॉप नहीं होगा बेटा, चेंज करके इसको एंड लिखो। उसके बाद क्या करेंगे अपन, नंबर में दो का इंक्रीमेंट करेंगे ताकि 11 से 13 हो जाए। गो टू 4 करेंगे, 4 करेंगे तो अब की बार फिर से प्रिंट होगा। अब क्या प्रिंट होगा, 13 इंटू 13, ठीक है ना, वो प्रिंट हो जाएगा 13 इंटू 13। और उसके बाद में फिर से सम होगा। बात आई सबको समझ में, पहले नोट डाउन कर ले बेटा, फिर हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं इसको। बिल्कुल बेटा, इसकी टेबल बता देते हैं आपको। सो हियर इज अ टेबल फॉर यू। ये है बेटा सम, ये है नंबर, और ये तीसरा एक और है। सर इसमें तीसरा क्यों है, क्योंकि इसमें प्रिंट कर रहे हैं अपन नंबर इनटू नंबर को, तो तीन चीज आएगी बेटा टेबल में, ठीक है। देखिए बेटा पहला स्टेप ये रहा, थर्ड स्टेप सम इक्वल टू जीरो, नंबर इक्वल टू 11। दिलीप नाउ आई एम ऑडिबल टू यू,
बेटा सभी को मैं ऑडियबल हूं, सब लोग एक बार बता दें ताकि चेक कर लें आपके एंड पे प्रॉब्लम है कि मेरे एंड पे प्रॉब्लम है। एम आई ऑडियबल टू एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? श्रावणी सेज यस, पूनम सेज यस, विनय सेज यस, अवंतिका सेज यस। तो बेटा दिलीप आप चेक करें, आपके नेट की समस्या है, आपको ऑडिबल नहीं हो पा रहे, देन इट इज योर प्रॉब्लम बेटा, एट योर एंड यू हैव टू रिजॉल्व इट। रिफ्रेश कर लो, रीलोड कर दो, या वहां बैठो जहां आपको नेट कनेक्टिविटी मिलती हो। तो बेटा देखें, सम की वैल्यू 0 होगी इस स्टेप पे, नंबर की वैल्यू 11 होगी, और उसके बाद हम कर रहे हैं प्रिंट नंबर इंटू नंबर। तो बेटा 11 इंटू 11 कितना होता है? 121 प्रिंट हो जाएगा, 121 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है या नहीं है ये बात? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्या ये पहली बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई? क्या सबको समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी से बता दे, जल्दी से बता दे सभी लोग। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? अगला स्टेप, इफ फिर सम इक्वल टू सम प्लस नंबर इनटू नंबर करेंगे अगले स्टेप फिफ्थ पे, तो बेटा क्या हो जाएगा ये? 0 प्लस 11 इनटू 11, तो बेटा इसमें हो जाएगा 121 सम में अगली बार, ठीक है? और नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, प्रिंट में भी कोई चेंज नहीं होगा। पहला स्टेप बेटा, क्लियर है सभी को? तो एक बार लिख दो बेटा यस सर, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आ रहा है। विनय सेज यस सर, समझ में आ गया। व्हाट अबाउट अदर्श? श्रावणी, अवंतिका, पूनम, राघव, प्राची, श्रेया, निपुण, आंचल, 1KM। तो पहला स्टेप समझ में आ गया बच्चा लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। नंबर 49 नहीं है, नंबर में दो और ऐड करो बेटा, नंबर हो गया 13। कितना हो गया बेटा नंबर? 13 हो गया, 13 हो गया। अब नंबर 13 हो गया, गो टू 4 करेंगे, प्रिंट करेंगे 13 इंटू 13, इट कम्स आउट टू बी 169, ठीक है? और उसके बाद क्या होगा बेटा? हम दोबारा से फोर्थ के बाद फिफ्थ स्टेप पे आएंगे, जो कहता है सम जो 11 इंटू 11 था उसमें 13 इंटू 13 और जोड़ दो। मतलब बेटा क्या है? 11 इंटू 11 जो 121 था उसमें 13 इंटू 13 भी और ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये सेकंड स्टेप भी? तो हम चलेंगे थर्ड स्टेप पे। नंबर 49 नहीं है, नंबर में दो और जोड़ेंगे, 15 हो जाएगा मेरा बच्चा। उसके बाद में गो टू 4 करेंगे, इस बार वो कहता है प्रिंट करो नंबर इंटू नंबर, तो बेटा हम प्रिंट करेंगे 15 इंटू 15। कितना प्रिंट करेंगे हम लोग? 15 इंटू 15 कितना होता है बेटा? 15 इंटू 15 इट कम्स आउट टू बी 225, ठीक है? अब चौथे स्टेप के बाद पांचवे स्टेप आएंगे। सब में ऑलरेडी 11 इंटू 11 121 चल रहा है, प्लस 13 इंटू 13 169 चल रहा है, और बेटा ये 15 इंटू 15 225 भी ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा? दिलीप आप क्लास में रहें, देखते रहें इसको, और जब ये क्लास पूरी हो जाएगी मैं इसको अपलोड कर दूंगा बेटा, तब आप ये वीडियो के साथ और ऑडियो के साथ सुन लेना, ठीक है? आपके मशीन में बेटा मैंने देखा है हमेशा प्रॉब्लम रही है। भाग्यश्री का मुझे कई बार फोन आता था कि सर दिलीप को प्रॉब्लम है, कैसे सॉर्ट आउट होगी? बेटा आप किसी टेक्निकल बंदे की मदद ले लो, आपके वहां बेटा मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है, इसलिए आपको साउंड की हमेशा ही प्रॉब्लम रही है। जब से बेटा आप हमसे जुड़े कॉपी किताब पे,
यू हैव ऑलवेज कंप्लेंट अबाउट द साउंड इज नॉट प्रॉपर, तो एक टेक्निकल बंदे की मदद ले लो बेटा, साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व कराओ, क्योंकि अभी तो बहुत सारे सेशन होने हैं, है ना। और बेटा अगर आपकी प्रॉब्लम के कारण पूरी क्लास को रोकते हैं, देन इट विल बी इनजस्टिस टू अदर्स ऑल्सो। तो बेटा आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराओ और क्लास में जुड़े रहो। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है तो बेटा इसको बाद में रिकॉर्डेड आप देख लेना। चलो आगे चलते बेटा, नेक्स्ट नंबर में दो और जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 17, ठीक है। फिर से फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, प्रिंट नंबर इंटू नंबर, तो इस बार हो जाएगा बेटा 17 × 17, कितना होता है बेटा 17 × 17, इट इज 289। ये बेटा फोर्थ स्टेप है, सब में ये सब चल रहा है। अब क्यू आर और ऐड हो जाएगा 17 × 17, चार स्टेप तक अगर ये टेबल ठीक बन रही है तो ये माना जा सकता है आपका एल्गो बिल्कुल करेक्ट है, आपका एल्गो बिल्कुल करेक्ट है, आपका एल्गो बिल्कुल करेक्ट है। तो मुझे बताओ बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा, एनालिसिस पार्ट, एल्गो पार्ट, नाउ टेबल पार्ट, थर्ड हिस्सा है टेबल। अब फोर्थ फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, अब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, अब इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे हम। बेटा सभी ने नोट डाउन कर लिया हो, सभी ने समझ लिया हो तो एक बार क्लियर सर क्लियर सर क्लियर सर लिख देना, तो मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं और फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। ये सब बेटा क्लास का पेस आप पे डिपेंड करता है। अगर आप लोग कह देंगे सर हमने समझ लिया आगे चले तो बत्रा सर आगे चलेंगे। यस श्रावणी, आस्क योर डाउट बेटा, आस्क योर डाउट। श्रावणी पूछो बेटा पूछो। बेटा अगर प्रिंट 121 लिख दोगे तो ये तो फिक्स हो जाएगा 121। आपको 121 प्रिंट करना है, 169 प्रिंट करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा नंबर इंटू नंबर, ताकि पहली बार वो 11 × 11 हो जाए, अगली बार वो 13 × 13 हो जाए, अगली बार वो 15 × 15 हो जाए। अगर आप प्रिंट 121 लिख देंगे तो वो हर बार 121 ही करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट श्रावणी? दैट विल बी ए कॉन्स्टेंट प्रिंट। हमें उसे वेरिएबल प्रिंट बनाना है, हमें उसे वेरिएबल प्रिंट बनाना है, तो हमें उसे लिखना पड़ेगा नंबर इनटू नंबर। एज द नंबर चेंजेस इट विल प्रिंट द सेपरेट वेरिएबल्स एवरी टाइम, 11 × 11 121, फिर 13 × 13 169, देन 15 × 15 225, देन 17 × 17 289, नेक्स्ट टाइम 19 × 19, ऐसे हो जाएगा बेटा। सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो, समझ लिया हो तो बेटा यस सर या ऑल क्लियर लिख दें जल्दी से। कैलाश कुमार, प्राची, श्रेया, श्रावणी, पूनम, निपुण, एरिनस, दिलीप कुमार, विनय शर्मा, आंचल, कृष्ण, प्रिया, पूनम कह रही यस सर ऑल क्लियर, श्रावणी कह रही है यस सर अंडरस्टूड, विनय कह रहा अंडरस्टूड। चलो तो इसका फ्लो चार्ट बना देते हैं बच्चा लोग। ये रहा इसका फ्लो चार्ट आपके सामने, आपके आमने सामने।
एक नया बना देता हूँ, चलो बिल्कुल एक नया बना देता हूँ बेटा, बिल्कुल एक नया फ्रेश पीस एकदम स्टार्ट। थोड़ा ज्यादा मोटा हो रहा है, पतला कर लेते हैं इसको। कलर चेंज स्टार्ट। ओहो इतना बड़ा हो गया ये तो, और पतला करना पड़ेगा। स्टार्ट CAWL प्रोसेसिंग बॉक्स में, देन क्या कमांड है बेटा, सम इक्वल टू जीरो, नंबर इक्वल टू 11, सम इक्वल टू जीरो नंबर इक्वल टू 11, देन स्टेप क्या है बेटा, प्रिंट नंबर इनटू नंबर, देन सम इक्वल टू सम प्लस नंबर इनटू नंबर। आप में से कुछ लोग इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये प्रोसेसिंग स्टेप बन रहा है बेटा, ठीक है। मेरे पास जगह थोड़ी कम है तो मैं थोड़ा ऐसे ऐसे जा सकता हूं बेटा, है ना। आपको नहीं जाना है, आपके पास रजिस्टर होता है, यू कैन गो स्ट्रेट। मेरी तरह ऐसे यूं झूलते हुए मत बनाना, ठीक है। मेरे पास तो ये स्पेस इतना है, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूं ताकि एट अ ग्लांस आपको दिखा सकूं। उसके बाद क्या है बेटा, कंडीशन कितना जाना है बेटा, कितना जाना है, 49। यस यस करेंगे तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट इस बार किसको करेंगे, सम को, और फिर करेंगे बेटा एंड। अगर बेटा ये करता है नो, तो कनेक्टर का इस्तेमाल बताऊं मैं आपको, कनेक्टर कैसे होता है बेटा। यहां लिखेंगे वन, और बेटा इसको ले आएंगे गो टू फोर पे, यहां लिखेंगे वन। तो एरो से जोड़ने की बजाय हमने कनेक्टर का इस्तेमाल किया, एरो से जोड़ने की बजाय इस बार हमने कनेक्टर का इस्तेमाल किया। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दे बेटा, आर यू गेटिंग दिस फ्लो चार्ट वेरी क्लियरली इन योर माइंड्स, यू हैव अंडरस्टूड वेल। क्या बात है, अरे बेटा अपना नाम बता दे, तेरा इतना नाम लंबा चौड़ा आ रहा है, 1KM80ZST3WF, पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। अपना नाम बताओ बेटा, कहां से हैं आप, समझ में आ गया आपको, ये तो बहुत अच्छी बात है। विनय शर्मा कह रहा है नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, देन वी यूज कनेक्टर। हाँ नंबर प्लस टू नहीं लिखा, क्या बात है, यहां बेटा गलती पकड़ ली। मैं ये जानना चाह रहा था कि बत्रा सर कुछ भी लिख देते तो आप क्या सही मान लेते हो, या कोई ऐसा भी बैठा है जो गलती को पकड़ सकता है। तो बेटा विनय इज वेरी गुड, है ना, थोड़ा लॉजिकल माइंड होना चाहिए। तो बेटा बत्रा सर ने जानबूझकर ये गलती छोड़ी थी, ये देखने के लिए कि क्या जो मैं कह रहा हूं आप सब अंधभक्त हो क्या, या बेटा अपना भी लॉजिकल माइंड रखते हो। बहुत अच्छा बेटा, आप अपना लॉजिकल माइंड रखते हैं। तो लिखेंगे बेटा नंबर को बढ़ाने का स्टेप, उसके बिना तो बेटा ये संभव ही नहीं है। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू तो लिखना ही पड़ेगा मेरा बच्चा, हमें तो जो एनालिसिस और एल्गोरिथम में होता है उसी को लिखना होता है, तो ये स्टेप के बिना यह अधूरा है और गलत भी है, इसलिए बेटा हर चीज को समझना है हमें। वेरी गुड विनय, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी फटाफट बता दो अगर आपने समझ लिया तो बेटा। पूनम ने कह दिया, कृष्ण प्रिया ने कह दिया, और कौन जुड़ गया है जो बताएगा। निपुण कुछ बोल नहीं रहा है, श्रेया भी चुप हो गई है फिर से, रामचंद भी जुड़ गए हैं, कैलाश कुमार तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, कुट्टा है क्या। अवंतिका साहू ने भी बोलना छोड़ दिया बत्रा सर से, ऐसा क्यों है भाई, क्या प्रॉब्लम हो गई।
क्या प्रॉब्लम हो गई बच्चा लोग आपको? जवाब ही नहीं दे रहे आप तो। शैल वी मूव अहेड, अगले सवाल पे चलें क्या? अवंतिका कह रही है सर दिस इज द फर्स्ट क्लास, आई नीड टू वॉच द लास्ट सेशन एंड आई विल ग्रेस्प द थिंग्स क्विकली। वेरी गुड बेटा, दैट इज द स्पिरिट। आपको बेटा सारे सेशन देख लेना चाहिए जो फ्लो चार्ट के हुए, दिस इज द सिक्स्थ सेशन। तो बेटा ये सब हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा ईएसएसएम आईटीएसएम इसका ग्रुप में मिल जाएगा बेटा आपको, तो वहां पे आप सर्च कर लेना। अभी बेटा क्लास फिनिश हो जाने के बाद में यू गो टू द यूट्यूब चैनल एंड सर्च देयर बत्रा सर, बत्रा सर देते बेटा आपको हमारा चैनल में नजर आ जाएगा, है ना, प्रोफेसर जेएस बत्रा ईएसएसएम आईटीएसएम इसका गुरु। रामचंद कह रहे हैं यस सर। अवंतिका कह रही है यस सर आई विल डू इट। ओके बेटा ओके, सो शैल वी मूव अहेड, अगले सवाल पे चलें क्या मेरा बच्चा लोग? एक और कर लें आज के सेशन में खत्म करने से पहले, क्या बोलना है आपका? संतों के पैर पड़ गए बेटा हमारे स्टूडियो में। यस विनय, यस यस, अभी नहीं। तो करें बेटा अगला सवाल, बच्चे बोलते ही नहीं है जल्दी से बेटा, इतना बोलना पड़ेगा बत्रा सर को, गले ही बैठा दोगे तुम तो, फिर अगला सेशन कैसे लूंगा मैं, इतनी देर लगाते हो बेटा। चलो तो बेटा हमने दो क्वेश्चन करा लिए एग्जामिनेशन के, पहला सवाल था 2010 नवंबर, अगला सवाल है बेटा 2012 नवंबर। अब बेटा जा रहे हम अगले सवाल पे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में, दिस इज द क्वेश्चन विच आई वाज वेटिंग। मुझे देखना है कितने बच्चे बेटा इसको कर पाते हैं, मुझे देखना है कितने बच्चे इसको कर पाते बेटा। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू बेटा, फॉर द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, सी द क्वेश्चन बेटा, सी द क्वेश्चन, फॉर द फ्लो चार्ट गिवन बिलो प्रिंट द आउटपुट डिस्प्ले फॉर यूजिंग द गिवन टू सेट ऑफ डेटा। फर्स्ट सेट ऑफ डेटा का है एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू है बेटा 20, और सेकेंड सेट है जिसमें बेटा एक्स की वैल्यू है 35 और वाई की वैल्यू है 30। ठीक है, फिर से सुनो बेटा, सवाल क्या है बेटा, ये सवाल पूछा गया बेटा 2012 मई में, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इन 2012 मई। प्रिंट द आउटपुट डिस्प्ले मतलब टेबल बनानी है बच्चा आपको, टेबल बनानी है आपको, टेबल बनानी है, टेबल बनानी है। प्रिंट द आउटपुट डिस्प्ले फॉर यूजिंग द गिवन टू सेट ऑफ डेटा, फर्स्ट सेट है x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 20, सेकंड सेट है x की वैल्यू 35, y की वैल्यू 30। अच्छा बी पार्ट में क्या करना है, वॉट इंटरप्रिटेशन डू यू मेक फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फ्लो चार्ट, ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनका मतलब समझाना है। और तीसरा कमेंट अबाउट द स्टोरेज ऑफ वेरिएबल यूज इन द इंस्ट्रक्शन, ये जो वेरिएबल यूज हुए एक्स और वाई ये किस लिए यूज हो रहा है ये बताना है। तो ये रहा बेटा फ्लो चार्ट आपके सामने। सर करना क्या है इसका, बेटा इसका टेबल बनाना है, बेटा इसका टेबल बनाना है, बेटा इसका टेबल बनाना है। देखें बेटा फ्लो चार्ट क्या है, इसमें कुछ गलतियां हो सकती है, हम उसे सुधार लेंगे। ठीक है, ये सवाल इंस्टीट्यूट ने दिया बेटा 2012 में, तब एक फ्लो चार्ट का सिंबल यूज होता था पंच कार्ड का, तो बेटा वो सिंबल उन्होंने यूज किया है, हम उसको आज के हिसाब से बदल देंगे अगर ये 2020 में आया तो।
दिस इज स्टार्ट, शुरू हो गया बेटा, सिंबल सिंबल थोड़ा अलग हो सकता है बेटा। नेक्स्ट लिखा उन्होंने रीड एक्स कॉमा वाई, ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना बेटा, ये पंच कार्ड्स में यूज आता था। तो 2012 तक बेटा ये सिंबल जो है वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में चलन में था, पर अब नहीं है। अब अगर ये सवाल आएगा तो बेटा ऐसे आएगा, इनपुट एक्स कॉमा वाई और रीड एक्स कॉमा वाई, तो आप मान के चलना दो डेटा इनपुट लिए जा रहे हैं, दो डेटा इनपुट लिए जा रहे हैं। कौन से लिए जा रहे हैं बेटा? पहली बार लिया जा रहा है एक्स की वैल्यू 15 और वाई की वैल्यू ली जा रही है 20। तो हम कर रहे हैं इनपुट एक्स वाई, पहली बार आप इनपुट के सिंबल का भी यूज देख रहे हो बेटा, पहली बार आप इनपुट के सिंबल का भी यूज देख रहे हो। पैरेललोग्राम, अब तक हम लोग यहां रेक्टेंगल यूज करते थे, अब पहली बार हम कीबोर्ड से इनपुट देंगे, हम देंगे एक्स की वैल्यू 15 वाई की वैल्यू 20। बात आ रही है बेटा सबको समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जरा फटाफट रिएक्शन दे दो मेरे को। श्रावणी हैज रेज द थंब, विनय हैज रेज द थंब, बाकी लोग क्या कह रहे हैं बेटा? रामचंद ऑल्सो सेइंग यस, फटाफट से रिएक्शन दे दो बेटा। जूम पे रिएक्शन का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करके इमोजी बन जाती है, कुछ भी बनाओ बेटा, मुझे बताओ आप समझ रहे हो कि नहीं। कृष्ण प्रिया कह रही है सर गेटिंग ओके। तो बेटा पहला स्टेप है स्टार्ट, दूसरा है इनपुट एक्स कॉमा वाई, रीड एक्स कॉमा वाई में एक्स और वाई की वैल्यू पढ़ेंगे, एक्स इज 15 और वाई इज 20 पहले सेट में बेटा। उसके बाद कहता है प्रिंट एक्स कॉमा वाई, तो मेरे बच्चा टेबल बनाना शुरू करो, मेरे बच्चा टेबल बनाना शुरू करो। प्रिंट में क्या लिखेंगे बेटा? प्रिंट का सिंबल भी गलत बना दिया इसने, पैरेललोग्राम होता है बेटा, इसने रेक्टेंगल बना दिया है। सर प्रिंट का सिंबल तो ये होता है बेटा, ये पेपर पे प्रिंट के लिए होता है, दिस इज प्रिंटेड आउटपुट। ये जो आउटपुट दे रहा है ये देगा स्क्रीन पर, मतलब डिस्प्ले आउटपुट है ये, दिस इज डिस्प्ले आउटपुट एंड दिस इज प्रिंटेड आउटपुट। तो जैसा सिंबल होगा वैसा आउटपुट आएगा। अगर स्क्रीन पे आउटपुट देना चाहता है तो हम स्क्रीन पे दिखाएंगे, डिस्प्ले दिखाएंगे, और बेटा नहीं है तो फिर हम दिखाएंगे इस पे, ठीक है? तो टेबल बनाओ बेटा इसकी, सभी लोग इसकी टेबल बनाओ, जल्दी से बनाओ टेबल, बनाओ टेबल ही बनानी है। फ्लो चार्ट तो हो गया, ये फ्लो चार्ट तो दे दिया उन्होंने आपको, एक्स की वैल्यू को 15 वाई की वैल्यू को 20 मानते हुए इन स्टेप्स की टेबल बनानी है, जब तक ये स्टॉप करके खत्म नहीं कर देता। आजकल स्टॉप की जगह हम एंड लगेंगे। टेबल बनानी है बच्चा, टेबल बनाओ सब लोग। जब तक आप लोग टेबल बनाते हो, बत्रा सर बेटा आपको बत्रा सर ऐप का टूर करवा देते हैं, बत्रा सर ऐप का टूर करवा देते बेटा आपको। जब तक आप टेबल बनाते हो बत्रा सर आपको बत्रा सर ऐप का टूर करवा देते बेटा। तो ये है बेटा बत्रा सर ऐप का इनिशियल स्क्रीन। सर ये कहां पे मिलता है? सर ये कहां पे मिलता है बेटा? ये मिलता है आपको, ये मिलता है आपको, ये कहां पे मिलता है? ये मिलेगा बेटा आपको गूगल प्ले स्टोर पे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और उस पर सर्च करेंगे बत्रा सर, जैसे ही बत्रा सर लिखेंगे हमारा ऐप आ जाता है, बत्रा सर ऐप फॉर सीए प्रिपरेशन। सर ऐसे नहीं, करके दिखाओ। तो बेटा मैं करके दिखा रहा हूं आपको, मैं करके दिखाता हूं आपको, मैं करके दिखा रहा हूं बेटा। ये रही मेरी मॉनिटर स्क्रीन, ये रही बेटा मेरी स्क्रीन। मैंने गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक किया, क्लिक करते ही बेटा गूगल प्ले आ गया। मैंने इस पे लिखा बेटा बत्रा सर, BATRASIR। जैसे ही मैंने लिखा देखो पहला पहला ऑप्शन आ गया बत्रा सर एफ फॉर सीए प्रिपरेशन। मैंने क्लिक किया बेटा, कहता है इंस्टॉल करूं या ओपन करूं, मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं ओपन कर रहा हूं बेटा। ये इसकी फ्रंट स्क्रीन है, आप देख रहे हो उसमें पहला ऑप्शन है CACPT, ये फाउंडेशन हो गया बेटा अब, ठीक है? फिर फ्री रिसोर्सेज है, फाउंडेशन की बुक्स है बेटा, हमने कहा था ना कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे डिजिटल बुक्स देती है बेटा, ई बुक्स देती है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, यू कैन यूज इन द ई बुक फॉर्मेट, ये अवेलेबल है बेटा। और कुछ फ्री रिसोर्सेज भी है बेटा हमारी तरफ से, आप देख रहे हैं बेटा बत्रा सर का फाइनल इसका का बेटा नोट्स पड़ा है, अमेंडमेंट नोट्स पड़े जो बेटा मई में आए थे बेटा। उसके अलावा आप देख रहे बेटा, इसके अलावा आप देख रहे बेटा ITSM हिंदी में पढ़ा है, ITSM इंग्लिश में पढ़ा है, आप देख रहे हैं बेटा।
और इसके अलावा अदर्स में भी बहुत सारे रिसोर्सेज है। नीचे की तरफ बेटा आप जाएंगे, अच्छा फ्री रिसोर्स दिखा देता हूँ खोल के, बेटा फ्री रिसोर्स दिखा देता हूँ खोल के। फाइनल इसका के नोट्स बेटा देखो बत्रा सर के, फाइनल इसका के नोट्स, ई बुक फॉर्मेट में आ जाते हैं, नाइट विजन है बेटा इसमें, बुक मार्क लगा सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटी है बच्चा लोग, बहुत सारी फैसिलिटी है, जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं बेटा। देखो बेटा बत्रा सर के नोट्स आ गए, सीए फाइनल इसका के ओल्ड कोर्स के बेटा, ये देखो बेटा ये उसका चार्ट है, समरी चार्ट बता रहा है। फिर बेटा पेजेस आएंगे, जैसे हम लोग किसी बुक को कैसे पढ़ते बेटा, वैसे कलरफुल नोट्स है बेटा बत्रा सर के। सो बेटा ये सारे के सारे आपको मिलेंगे कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे बेटा, कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो बेटा, ये सारे आपको मिलेंगे कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे। देखो नीचे की तरफ कुछ ऑप्शंस आ रहे मेरे बच्चा, नीचे की तरफ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, ई बुक्स आ रहा है, स्टडी पैकेज आ रहा है, माई लाइब्रेरी आ रहा है, टेस्ट प्रिपरेशन आ रहे हैं बत्रा सर के बेटा, फ्री रिसोर्सेज में देखो टेस्ट अवेलेबल है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओल्ड कोर्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट न्यू कोर्स, और बेटा आईटी ओल्ड कोर्स, एएसएसएम न्यू कोर्स। सर एक और कोई खोल के दिखाओगे क्या बेटा? क्यों नहीं दिखाएंगे आपको, ये रहे बेटा देखो एंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट का बेटा पहला टेस्ट आपके सामने, जनरल इंस्ट्रक्शन लिखे हुए कैसे करना है बेटा आपको। फिर आप बेटा स्टार्ट क्विज कर सकते हैं, स्टार्ट क्विज करोगे तो क्विज आपके सामने शुरू हो जाएगा बेटा। ये आ रहा है बेटा ऑप्शंस देखो, सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट यूजेस इनपुट टू प्रोड्यूस आउटपुट, क्या होता है बेटा? प्रोडक्शन होता है, प्रोसेस होता है, ट्रांजेक्शन होता है, ग्रुपिंग होती है। तो इसका सही जवाब जैसे प्रोसेस है तो हमने सही जवाब दे दिया। नेक्स्ट करेंगे, अगला सवाल आ जाएगा, देयर आर टू वेज ऑफ यूजिंग द सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल्ड और कौन सा होता है बेटा? इंस्टॉल्ड और वेब एप्लीकेशन, ये सही जवाब है बेटा, आजकल क्लाउड पे आ गया अमेंडमेंट के बाद ये। थर्ड है विच टाइप ऑफ टिपिकल रिस्क ऑफ एन ईआरपी होता है बेटा, क्या होता है? लीकेज होता है, इनकरेक्ट होता है, अनऑथराइज चेंज होता है, पार्शियल लॉस ऑफ डेटा होता है बेटा। फिजिकल रिस्क किस प्रकार की होती है बेटा? फिजिकल रिस्क किस प्रकार की होती है? पार्शियल लॉस ऑफ डेटा। तो ऐसे अपन एग्जाम देते जाएंगे, जब हम कंप्लीट करेंगे बेटा क्विज को तो ये हमारे सामने बेटा रिजल्ट बता देगा, और आपके कितने सवाल सही हुए कितने गलत हुए बेटा उनकी जानकारी देगा। ये रहा बेटा देखो आपके सामने, टोटल 75 सवाल थे हमने, हालांकि तीन ही अटेंड किए, तीनों सही थे। ठीक है, तो आप इस तरीके से रिजल्ट को बेटा देख सकते हैं यहां पे। क्लियर है बेटा? राइट क्वेश्चंस आ जाते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस सारे आ जाते हैं आपके सामने। तो ये बेटा टेस्ट प्रिपरेशन आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन बेटा कर सकते हैं यहाँ पे, अपने नॉलेज को चेक करें बेटा। ओल्ड कोर्स आईटी के बच्चा, ओल्ड कोर्स एसएम का बच्चा, न्यू कोर्स एएस का बच्चा, न्यू कोर्स एसएम का बच्चा बेटा। उसके बाद बेटा आप आ जाओ स्टोर में, सेल लगी हुई बेटा, कॉपी किताब फाउंडेशन के बाद अदर्स नाम का एक ऑप्शन आता है, वहां जाना होगा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो बत्रा सर मिलेंगे बेटा आपको। बत्रा सर पे बेटा आपको ऑल में सारी कैटेगरी मिलेगी, ई बुक पे जाएंगे तो ई बुक नजर आएगी बेटा, वीडियोज में जाएंगे तो बत्रा सर के सारे रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएंगे बेटा। और ये पहली बार हो रहा है हिंदुस्तान के सीए इतिहास में बेटा, कॉपी किताब और बत्रा सर ने एक एक इंडिविजुअल लेक्चर आपको दे रखा है बेटा, यू कैन परचेज ऑन एक एक लेक्चर एट अ प्राइस ऑफ 71 रुपीज ओनली बेटा, सेल लगी हुई है। 100 रुपए का लेक्चर था जिसको 29% ऑफ में हम 71 रुपीज में दे रहे हैं। सपोज करो किसी चैप्टर में 5 लेक्चर है तो बेटा 71 × 5 इतना ही पैसा देना है बेटा, करीब 355 रुपए देने आपका चैप्टर पूरा। सो यू कैन परचेज इंडिविजुअल लेक्चर, यू कैन परचेज एंटायर चैप्टर, यू कैन परचेज एंटायर कोर्स, सब चीज अवेलेबल है एट योर विल बेटा। तो ये सुविधा हम अनअकैडमी हम दे रहे हैं बेटा आपको कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे। बात आई सबको समझ में बेटा? तो बेटा देखो सारे लेक्चर पढ़े, इसी तरीके से सारे टेस्ट प्रिपरेशन भी फ्री के अलावा आप कुछ परचेज करना चाहते हो तो बेटा हम यहाँ पे आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये था बेटा बत्रा सर ऐप का टूर जो आपने देखा। आओ अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, आओ बेटा अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बेटा, आओ बेटा सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं बेटा, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
आओ बेटा एक बार सिखा देता हूं मैं आपको। स्टार्ट किया, रीड की जगह आप इनपुट माने तो एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा पहले सेट में 15, तो हमने लिख दी बेटा यहाँ पे 15। वाई की वैल्यू कितनी है 20, तो लिख दी हमने टेबल में 20। उसके बाद अगला स्टेप है प्रिंट एक्स वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू प्रिंट कर दो बेटा प्रिंट एक्स वाई में 15, 20। ओके बेटा समझ में आ गया रामचंद, आपको स्पेशली फॉर यू रामचंद, आपने बेटा पूछा है चैट में तो बता रहे हैं आपके लिए, आपके मदद से बेटा सब लोग समझेंगे इसको। अगला स्टेप बेटा x इक्वल टू x प्लस y, मतलब x और y की जो वैल्यूज है उनको जोड़ो, तो 15 और 20 है बेटा दोनों वैल्यू जुड़ गई। इसकी वैल्यू जाके लिखेंगे बेटा x में, तो x की नई वैल्यू हो जाएगी 35, x की वैल्यू हो जाएगी 35, y में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रिंट एक्स वाई में कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम ही रहेगा बेटा 15, 20, कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद हमने कहा y इक्वल टू x माइनस y, इस समय x में चल रहा है 35, y में चल रहा है 20, तो बेटा 35 माइनस 20 करेंगे, ये नई वैल्यू जाके y में स्टोर होगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, x की वैल्यू रहेगी 35, और एक्स वाई प्रिंट में कोई चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम 15 एंड 20। आगे कहता है x इक्वल टू x माइनस y, x में चल रहा है 35, y में चल रहा है 15, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो 35 माइनस 15 20 होता है, ये जाके x में स्टोर करो, तो x की वैल्यू हो गई 20, y में कोई चेंज नहीं आया, प्रिंट एक्स वाई में कोई चेंज नहीं आया, 15, 20 रहा। उसके बाद हमने कहा प्रिंट एक्स वाई, अब एक्स वाई की नई वैल्यू प्रिंट होगी, तो वो प्रिंट होंगी बेटा 20 और 15। तो हमने शुरुआत किया था तब वैल्यू थी 15 एंड 20, जब हमने एंड किया तो वैल्यू बनी 50, 20 एंड 15। क्या हुआ बेटा, वैल्यू स्वैप हो गई, वैल्यू इंटरचेंज हो गई, वैल्यू स्वैप हो गई बेटा, वैल्यू इंटरचेंज हो गई। अवंतिका क्या कह रही है, गुरु की महिमा का क्या बखान करूं, उनके समक्ष सर्वदा मैं मस्तक अपना झुकाए रखूं, रहता जिस सर पर गुरु का हाथ, खुशियां होती सर्वदा उस व्यक्ति के साथ, राहों के कांटों को वो फूल बनाते, हर मुश्किल से लड़ना सिखाते। बहुत अच्छा लिखा है बेटा, हर मुश्किल से लड़ना सिखाते, ज्ञान का भंडार बढ़ाते, प्यार हम पर लुटाते, लिखना उन्होंने है सिखाया, कलम का महत्व है समझाया, अज्ञान का हो अंधेरा तो रोशनी उसमें भरते हैं, अपने जीवन की पूंजी वो हमें अर्पण करते हैं। बहुत अच्छा लिखा मेरे बच्चा, बहुत अच्छा लिखा है। अवंतिका मैं आपका फैन हो गया, मैं आपका जबरा 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 फैन हो गया। रामचंद कह रहे हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू मेरे बच्चा, थैंक यू, आपका प्यार हमें मिलता है इसीलिए हम इतने एनर्जेटिक बेटा सुबह से शाम तक। कृष्ण प्रिया कह रही है ओके सर, श्रावणी कह रही है वन शो द सेकंड सेट टेबल, बेटा मैंने नहीं बनाई है, आप बना लो बेटा इसके अगले सीजन में बता देंगे आपको। कृष्ण प्रिया कह रही है हैप्पी टीचर्स डे, तो बेटा फिर आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल फ्लो चार्ट्स आर ओवर, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वीक एंड वी विल स्टार्ट विद द बिजनेस कैटेगरी फ्लो चार्ट। आप थे बेटा बत्रा सर के साथ हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म copykitab.com पे, जो बेटा 8 मिलियन स्टूडेंट्स के साथ लाइव रहता है बेटा रोज। आप विजिट करिए हमारी साइट www.copykitab.com, हिंदुस्तान के हर सेक्टर की बुक्स मिलेंगी आपको, और बेटा अब हम एजुकेशन सेक्टर में भी एंटर कर चुके हैं और बहुत जल्दी बहुत नई चीजें आपके सामने लाएंगे। तो बेटा आज का सेशन ही साइन ऑफ करता हूं मैं, जय हिंद दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और अगर आपको हमारे सेशन पसंद आता है तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेटा बेल आइकन प्रेस करो और साथ में इसको शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। थैंक यू वेरी मच बेटा।